धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर का जिसने एक बार फिर तुहाडे नाल जिउंदे वचन शेयर करन दा मौका दिता। असी अपने दिल तो पिता परमेश्वर का धन्यवाद करते हाँ। मीटिंग विद गॉड टीम तुहाडे भविख दे लई परमेश्वर दे अगे नित प्रार्थना करती है। लाइफ विद जीजस क्राइस्ट चैनल दे उत्ते तुहाडा स्वागत है। आओ अज असी दिल दे उत्ते परमेश्वर दे वचन दी गहरी सिक्ख्या नू प्राप्त करिए। संसार दे महान सेवक मत्ती 18:13 नू परमेश्वर पिता दे दिल दी धड़कन आखदे हन। इस विच इस तरह लिखा है, इसे तरह तुहाडे पिता दी जिहड़ा सुरग विच है मर्जी नहीं जो इन्हां छोटियां विचों एक दा भी नाश हो जावे। अजीजो, पिता परमेश्वर दा दिल हर एक इंसान दे बचा दे लई है। पिता परमेश्वर धरती उत्ते किसी भी इंसान दा नाश नहीं चाहते। अज दे संदेश दे विच असी पिता परमेश्वर दे हिरदे नू जानन तो पहला आओ असी अपने दिल नू ही जांचिए। जिस वक्त परमेश्वर ने इंसान दी रचना कीती, इंसान नू अपने सरूप उत्ते बनाया। जेकर इंसान दे अंदर दिल है, इसदा भाव ये है परमेश्वर अंदर भी एक अच्छा दिल है। इस संदेश नू तुहाडे तक भेजन दा यही कारण है। जेकर तुसी आसे पासे झाती मारो, अज दिल दीयां समस्यावां बहुत ज़्यादा वध गईयां हन, जिवें कि बीपी लो होना, बीपी हाई होना, हार्ट अटैक होना, सैल घट हो जाने, दिल विच ही गम अते दिल विच ही सोग हुंदा है, दिल विच ही घबराहट हुंदी है, दिल विच ही डर लगदा है। इन सारियां गल्लां नू असी परमेश्वर दे वचन दे नाल दूर कर सकते हाँ। सब तो पहला असी ये वेखांगे कि दिल परमेश्वर ने किस काम दे लई बनाया है। दिल मनुख दे हरेक अंग दी अंग तक लहू दी सप्लाई करदा है। फिर अंगां दे विचों गंदा लहू वापस अपने अंदर लैंदा है ते फिर उस नूं शुद्ध करके अंगां तक भेजदा है। इस दा भाव यह है कि दिल अपनी ड्यूटी करदा है, वो सारे अंगां नूं सही काम करन वास्ते खून दी सप्लाई दिंदा है। अजीजो, मनुख दा ही दिल एक अजिहा अंग है, बाकी अंग जिस वक्त सौंदे हन आराम करदे हन, पर दिल निरंतर 24 घंटे जागदा रहिंदा, कम करदा रहिंदा और शरीर दे सारे अंगां नूं सप्लाई दिंदा रहिंदा, रुकदा नहीं। सो हर एक इंसान नूं अपने दिल दे लई परमेश्वर दा इन्ना ज़्यादा धन्यवाद करना चाहिदा है कि शरीर दे विच एक अजिहा अंग परमेश्वर ने दिता है जो बिना रुके निरंतर 24 घंटे सालां बद्दी कम करदा रहिंदा है। किड्डी वड्डी परमेश्वर दी किरपा है जो सानू एक अजिहा अंग दिता जो सानू जिउंदा रखण दे लई कम करदा है, तकरीबन वो धड़कदा रहिंदा है। हुण असी ये वेखदे हाँ कि जेकर दिल दे विच समस्यावां ने, दिल दे विच बीमारियां ने, इंसान नूं की करन दी जरूरत है? उस नूं परमेश्वर दे राज दे विच आउण दी जरूरत है, परमेश्वर दे वचन ते विश्वास करन दी जरूरत है। क्योंकि संसार विच रहिंदे होइआं संसार दीआं गल्लां दा उत्ते दिल ते प्रभाव पैंदा है। फिर असी देखदे हां कि प्रभु यीशु मसीह ने दिल दे बारे मत्ती मरकस 7:21-23 विच की आख्या है। फिर उस आख्या, जो मनुख दे अंदरों निकलदा है सोई मनुख नूं प्रेस्ट करदा है, क्योंकि अंदरों
मनुख दे दिल विचों बुरे ख्याल, हरामकारियां, चोरियां, खून, जनाकारियां, लोभ, बदियां, छल, मस्ती, बुरी नज़र, कुफर, हंकार, मूर्खताई निकलदी है। ये सारियां बुरियां गल्लां अंदरों निकलदियां हन अते मनुख नूं प्रेस्ट करदियां हन। सो ये जिहड़ियां गल्लां ने इंसान दी बीमारी दा कारण बनदियां हन। बहुत सारे छड़ाए हुए प्रभु ते विश्वास करदे हुए लोग भी इन्हां चीज़ां दे शिकार हुंदे हन, क्योंकि वो सच्चे हिरदे तों परमेश्वर नूं नहीं पकारदे। फिर मरकस 7:6-7 विच भी लिखिया है, ये लोग अपने बुल्लां तों बुल्लां नाल मेरा आदर करदे हन, पर इन्हां दे दिल मैथों दूर है। वो व्यर्थ मेरी उपासना करदे हन, वो मनुखां दे हुक्मां दी सिक्ख्या दिंदे हन। इस वचन तों साफ पता चलदा है कि मनुख एक रीति रिवाज दे तौर ते भी रब दी उपासना करदा है, जो कि परमेश्वर नूं बिल्कुल पसंद नहीं। आओ असी कुछ गल्लां देखदे हाँ जो सानू हिरदे तों ही करनियां चाहीदियां हन। नंबर एक, दिल तों सच्चा करार करना चाहीदा है, दिल तों ही विश्वास करना चाहीदा है, दिल तों ही प्रार्थना करनी चाहीदी है, दिल तों ही उपासना करनी चाहीदी है, दिल तों ही एकता करनी चाहीदी है, दिल तों ही आनंद होना चाहीदा है। और अपने जीवन दे सारे फैसले दिल तों ही करने चाहीदे हन। इन्हां सब गल्लां नूं असी इक्को वार नहीं सीख सकते, कुछ गल्लां असी दिल दियां जो हन उन्हां ते ध्यान दे सकते हाँ। सब तो पहला सच्चा इकरार। जेकर असी दानियल दे जीवन दे बारे देखिए, दानियल ने दिल तों सच्चा इकरार कीता। दानियल 1:8 दे विच इस तरह लिखिया है, पर दानियल ने अपने दिल विच मनसा बन्नी पाई अपने ताई राजे दे स्वादले भोजना नाल अते ओ दी शराब नाल जेड़ी ओ पींदा सी नपाक ना करे। इस दा भाव यही है, दानियल ने दिल तों तौबा कीती। नतीजा की निकलिया, दानियल 1:15 दे विच लिखिया है, उन्हां दे मूँह वधीक सुंदर अते शरीर मोटे दिसदे सन। इस दा अर्थ है, जेकर मसीही लोग सच्चे हिरदे तों इकरार करदे हन तां उन्हां दी सेहत तंदरुस्ती दानियल दी तरह बनी रहिंदी है। दिल दी कोई भी समस्या उन्हां नूं तंग नहीं कर सकती। नंबर 2, दानियल 1:20 दे विच लिखिया, बुद्ध ते शन्यास दी हर गल विच जेदे विखे राजे ने उन्हां कोलों सवाल कीता, उसने उन्हां नूं जादूगरां अते ज्योतिषियां नालों जेड़े ओ दे सारे देश विच सन 10 गुणा अच्छा पाया। इस दा भाव सच्चे इकरार तों, दिल तों कीते इकरार तों इंसान नूं बुद्ध दे खजाने मिलदे हन। फिर असी वेखदे हाँ वरलाप 2:19 दे विच प्रार्थना दे बारे लिखिया है, उठ रात दे पैरियां दे आरंभ विच चला, अपना दिल प्रभु दे सन्मुख पानी वांग डोल दे। अजीजो, जेकर तुसी चाहते हो कि तुहाडियां प्रार्थनावां दे उत्तर आउण तां तुहानू प्रार्थना भी दिल तों करनी चाहीदी है। जिस तरह तुसी पहले सैमुएल दे पहले अध्याय दे विच वेख सकते हो, हन्ना ने अपना दिल परमेश्वर दे सन्मुख खोल के रख दिता, दिल तों दुआ कीती, चाहे उस दी जबान हिल नहीं सी रही और जबान चो शब्द बाहर नहीं सी आ रहे, मगर उसका दिल परमेश्वर दे सन्मुख गल्लां करदा सी। जेकर
अज तुसी अपने आप नू बदलना चाहते हो ते तुहानू परमेश्वर दी हजूरी दे विच एक सच्चा अकरार करन दी जरूरत है। अकरार दे नाल नाल तुहानू प्रार्थना करन दी जरूरत है। मसीही लोकां नू प्रभु दे कोलों हिजकीएल 36:26 दे अनुसार एक सच्चा हिरदा मंगन दी जरूरत है। अते मैं तुहानू नवा दिल देंगा, तुहाडे दिल तुहाडे विचों पत्थर दा दिल कढ देंगा अते मास दा दिल तुहानू बख्शांगा। अजीजो, ये मास दा हिरदा परमेश्वर दे राज दियां गल्लां नू अपने अंदर जमा करेगा। फिर इबरानियां 8:10 दे विच इस तरह लिखिया है, ये ओ नेम है जेड़ा मैं इसराइल दे घराने नाल बन्नांगा अते उन्हां दिनां दे मगरों प्रभु आखदा है मैं अपने कानून उन्हां दियां मनां विच पावांगा अते उन्हां दियां हिरदियां उत्ते उन्हां नूं लिखांगा। मैं उन्हां दा परमेश्वर होवांगा अते ओ मेरी प्रजा होणगे। अजीजो, परमेश्वर अपने वचन नूं तुहाडे हिरदे उत्ते लिखणा चाहुंदा है। और जदों परमेश्वर दा वचन तुहाडे हिरदे दे विच तुहाडे दिल दे विच होवेगा, ये पक्का है, इस 100% सच है, तुहाडे दिल दियां समस्यावां सारियां दूर हो जाणगियां। मीटिंग विद गॉड टीम तुहाडे हिरदे नूं मजबूत होण वास्ते तुहाडे लई प्रार्थना करदी है। असीं तुहाडा धन्नवाद करदे हाँ कि तुसीं इस मैसेज नूं सुन के दूसरियां तक भेजदे हो। परमेश्वर तुहाडे हिरदे नूं मजबूत करे, तुहानूं वधावे, तुहाडी हर लोड़ जरूरत नूं पूरियां करे। दानियल दी तरह तुहानूं बुद्ध दे खजानियां नाल भरपूर करे और आउण वाले दिनां दे विच तुसीं इस अंधकारमई संसार दे विच चमकण वाले बन जाओ। प्रभु तुहानूं आशीष देवे। सब नूं जय मसीह दी। आमीन।